हेलो नमस्ते, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो चलिए, मेरा मार्शल्स का मतलब मार्शल्स शॉपिंग मॉल का सेकंड पार्ट है, तो मैंने सोचा इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। मतलब पहले मैंने एक पार्ट रखा है, पर वहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि पार्ट वन और पार्ट टू। मतलब अगर पार्ट वन में देती तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, मतलब बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने सोचा पार्ट टू कर देती हूँ, इसको डिवाइड करके पोस्ट करती हूँ। सो मैं आज आ गई हूँ, और यहाँ पर वैसे कुछ खास तो नहीं, मतलब जैसे बैग, किचन के कुछ सामान, और जैसे बेड, बाथ और रूम डेकोर करने के कुछ सामान है, और फिर कप्स, ये सब मतलब कुछ और कुछ नहीं वैसे। अच्छा, मतलब और वीडियो तो ठीक से नहीं कर पाई हूँ मैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए। तो आप देखते रहिए। और हाँ हाँ मैं धीरे धीरे मेरे वीडियो करने का मतलब तरीका, मतलब जो मिस्टेक्स, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो चलो देखते हैं। ये छोटा था, क्यूट भी था, मुझे अच्छा लगा। जैसे अगर किसी को कुछ बगार वगैरह देना होगा तो इसीलिए। और ये किचन्स के सामान है, जार है यहाँ पर, स्पून, फॉक, नाइफ, ये सब था। ये जो जार थे ये सब एयर टाइट बॉक्स मतलब जार थे ये सभी। आई थिंक ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी मेकर बनाने का है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, मुझे नहीं पता, मुझे नाम नहीं पता, सॉरी। ये भी कॉफ़ी मेकर है। साउथ इंडियन लोग जिस तरह से कॉफ़ी बनाते हैं ना, उस टाइप का कुछ है ये। और यहाँ पर कुछ खास नहीं था, मतलब किचन के कुछ सामान खास, जैसे कि बाय द वे तो मतलब कपड़ों के लिए ये मतलब शॉप है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें ही रखे थे उन लोगों ने, जैसे किसी को अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत हो उस तरह से, इमरजेंसी के लिए आई थिंक रख रखा था इन लोगों ने। यहाँ पर कप ज़्यादा ही अच्छे थे, मतलब कॉफ़ी मग्स काफ़ी अच्छे थे, मुझे तो पसंद आए इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये रेड कलर का जो जस्ट फॉर मतलब डेकोर के लिए अच्छा था, प्लास्टिक का था, वो दिख रहा था दूर से मुझे का मतलब ग्लास मतलब कांच का होगा। ये ग्लासेस वाइन पीने के लिए, नहीं नहीं सॉरी, वाइन के लिए नहीं है ये, नॉर्मल ग्लासेस है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे आप इसमें नीचे कुछ स्नैक्स रखते थे, केक या फिर ऊपर मिठाई, दो तरीके के डेकोरेशन के लिए, और लिख रखा था मेड इन इंडिया, तो दिल खुश हो गया देखकर मेरा कि मुझे यहाँ पर मतलब हाँ यहाँ पर मिलता है, मिलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फिर भी देखा मुझे जैसे हाथ में लिया मेड इन इंडिया, सो अच्छा लगता है। यहाँ पर वुड के कुछ सामान थे, जैसे चॉपिंग बोर्ड ये सब। ओ यहाँ पर कैंडल शायद किसी ने गलती से रखा था मग के साइड पर, देखिए वहाँ पर सिर्फ मग ही दिखेगा, सिर्फ एक ही कैंडल था। ये ग्लासेस कुछ ज़्यादा ही क्यूट थे। फिर से मग के सेक्शंस में आ गए हम। और हाँ,
मैंने पहले ही बोल रखा है शुरुआती में कि यहाँ पर मैं किचन का कुछ सामान दिखाऊंगी, बाथ, बेडरूम, मतलब ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, मतलब मैंने पहले ही बोल चुकी है सब बातें। ये स्नैक्स रखने के लिए अच्छा है ये प्लेट। जैसे मोमो रख सकते हैं साइड से। यहाँ पर मुझे कॉफ़ी रखने के लिए जो जार, फिर चाय, इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से तो कॉफ़ी, टी, ये सभी, मतलब मिल्क पाउडर, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। हाँ, फिर भी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे जो लगा मैंने वही बोला। आई थिंक ये ओवन, कॉफ़ी, सॉरी, ये कप्स कुछ ज़्यादा ही क्यूट थे। मतलब क्या लिख रखा था यहाँ पर, आई थिंक, मुझे नहीं पता। चाय, मतलब नेपाली लोग इस तरह के कटोरी में, चाइनीज़ लोग सूप पीते हैं, नूडल्स भी खाते, मैंने देखा था निंजा हथौड़ी कार्टून में, तो इसलिए मुझे याद आ गया। फ़ोटो फ्रेम से यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, $5, $15, $9.99, मतलब $10 ही समझ लो। यहाँ पर मैं थे, मैंने बोला था ना डेकोरेशन के लिए भी कुछ सामान है, तो मैंने नहीं दिखाया, मैंने स्किप कर दिया उसे, सॉरी। ये बाथरूम के लिए कर्टन्स है, बाथटब के कर्टन्स। ये सब रूम डेकोरेशन, घर डेकोरेशन के कुछ सामान है। यहाँ पर टॉवल, मैंने उल्टा, मुझे लगा वो सीधा है, पिलो। ये लैम्प मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। यहाँ पर लैम्प के कलेक्शन ज़्यादा नहीं थे, पर जितने थे मैंने जितना देखा काफ़ी अच्छा था, उसमें से वो ब्लू वाला फर्स्ट में। और ये चेयर, इनको क्या नाम, इनका मतलब क्या नाम है, इन चेयर को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा वीडियो कर लेती हूँ। वाओ, रेड कलर का, मतलब हार्ट पिलो, पिंक है ये। टू एक्सपेंसिव, दिस इज $16.99, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर सब पिलो और पिलो ही है। और हाँ, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो देखिए, कमेंट करिए, मतलब बताइए अगर कोई गलती हो तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं यहाँ पर कितने दिन हुए, आई थिंक एक हफ्ता हुआ है मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स ऐड कर। तो चलिए, काफ़ी देर हो गई है, अब चलते हैं घर की तरफ। सो बाय बाय, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सपोर्ट करिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना, क्या बोलते हैं, मोटिवेट होंगी, मैं उतना वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी अच्छे से। सो बाय बाय।